फाइनली गाइस अपने गेम में न्यू गेंट मॉन्स्टर आ गया है और इंडियन ट्रक भी आ गया है और साथ ही गेम में साइबर ट्रक और सियान भी आ गई है। इनको कैसे ऐड करते हैं ये भी आपको वीडियो में आगे बताते हैं और आप भी इन सबको गेंट मॉन्स्टर बना सकते हो तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। सो गाइस अपने गेम के लास्टेड अपडेट में प्लगिंग मोड ऐड हुआ है, इससे आपके लिंक को कॉपी पेस्ट करने की समस्या दूर हो गई है। इसको यूज करने के लिए आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लगिंग मोड को डाउनलोड कर लेना है। इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक व्हीकल जिसमें आपको न्यू व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, दो एनिमल जिसमें आपको न्यू एनिमल्स दिख जाएंगे, तीन चीट कोड जिसमें आपको चीट कोड दिख जाएंगे। बता दें है इनको ऐड कैसे करना है, तो व्हीकल या एनिमल वाले मोड पर जाके आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंटरनेट डाटा को ऑन करके अपने गेम को ओपन कर लेना है। आपको प्लगिंग मोड पर जाके इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। एक ऐड आने के बाद में आपको फाइल लोडेड शो हो जाएगा, इनके चीट कोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। गाइस आप इन सारे को ऐड कर लोगे पर गेंट मॉन्स्टर ऐड नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है। सो गाइस भाई ट्राई कर रहे हैं न्यू अपडेट में आपको गेंट मॉन्स्टर ऐड कर दिया जाए, तो आप मॉन्स्टर कार को स्पॉन कराते हैं 0 डायल करके साथ में, कि आप सेम ऐसे ही इनको भी गेंट मॉन्स्टर बनाने के लिए चीट कोड पर काम चल रहा है। बाकी आपको यूट्यूब पर इनके बहुत सारे एंटरटेनमेंट के वीडियो मिल जाएंगे पर वो गेम में ऐड नहीं होने वाले। अपकमिंग अपडेट पर चलते हैं। इस अपने गेम में ये दो ट्रक है, अब आपको न्यू साइबर ट्रक देखने को मिल सकता है। रोहित भाई ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको है जो साइबर ट्रक गेम में ऐड कर दिया जाए और आपको सियान भी देखने को मिल सकती है। 80% कंफर्म हो चुका है कि आपको सियान भी जल्द ही गेम में देखने को मिल सकती है। और गाइस आप भी कमेंट में सियान और साइबर ट्रक के लिए वोटिंग लिख दो, इसमें रोहित भाई भी जल्दी से ऐड कर देंगे। तो गाइस गेम में टार्जो और सियान को अपन कम्युनिटी पोस्ट में कंपेयर करने वाले है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जल्द ही 5K की यूट्यूब फैमिली को भी कम्प्लीट करा दे। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कार सिमुलेटर को हैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना।